नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चुटिया स्थित बीएसपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन, नई प्रदेश कार्यकारिणी की हुई घोषणा। राजेश मेहता बने बीएसपी झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष, तो वही विद्याधर प्रसाद को प्रदेश महासचिव बनाया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश मेहता ने कहा, झारखंड में पार्टी मजबूत है। पार्टी दलित, शोषित, वंचित, स्वर्ण सबके हित के लिए सोचती है। उन्होंने बीजेपी को झूठा पार्टी बताया, तो वही गठबंधन सरकार को केवल घोषणाओं वाली सरकार बताया। तो वही प्रदेश महासचिव विद्याधर प्रसाद ने कहा, बैठक में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि 2024 विधानसभा लोकसभा में हम अधिक से अधिक सीट जीत कराएं और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी झारखंड में मजबूत है। गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, एससी एसटी ओबीसी और स्वर्ण जातों की लड़ाई अगर कोई आवाज़ उठाता है तो बहुजन समाज पार्टी उठाता है। और जिस पार्टी की आपने बात की, या भाजपा पार्टी, वह भाजपा जो है वह बिल्कुल झूठा पार्टी है। और अभी हेमंत सोरेन जी जो एमएम की बात हो रही है, तो उन्होंने सिर्फ अभी घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने तो बहुत घोषणा किए थे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ, अभी कितने लोगों को रोजगार मिला? अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी झारखंड में मजबूत है और आने वाला बहुजन समाज पार्टी बिना यहाँ झारखंड में सरकार किसी की नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और लोकसभा की सीट हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीत करके और बहन जी की झोली में डालने की काम करेंगे और बहन जी की हाथों को मजबूत करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनाने की काम करेंगे। ठीक, परिचय दे दीजिएगा। राजन मेहता, आज बहन जी के द्वारा आज आशीर्वाद मिला है। प्रभारी महोदय के द्वारा जो घोषणा किया गया है, आज झारखंड प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी मिला है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विगत 7 दिसंबर को झारखंड प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी और आज नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई जी। और कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ, पार्टी का लेकर क्या निर्णय लिया गया? आज श्री राजेश कुमार मेहता और राजन मेहता जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। मुझे भी प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी दी गई। साथ ही पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि अगले आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जीत कर इस देश में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करें और साथ ही साथ झारखंड प्रदेश में हम सत्ता के भागीदार बने और शोषित वंचित समाज जो है उसके लिए हम संघर्ष करते हुए उनको हक अधिकार न्याय देने का काम करें।